नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। और वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की खास खबरों का। सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। छात्रों के लिए काम की खबर, 22 नवंबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन टाइम टेबल जारी। मध्य प्रदेश के कॉलेज छात्रों के लिए बड़ी खबर है। तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए IITI न्यू दिल्ली द्वारा कैलेंडर के अनुसार तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संस्था स्तर की काउंसलिंग की समय सारिणी जारी कर दी गई है। प्रवेश के विद्यार्थी इंजीनियरिंग डिप्लोमा, डिप्लोमा नॉन पीपीटी, डिप्लोमा अम्बेडकर, एकलव्य योजना, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, बी आर्क, फार्म डी, एकीकृत एमबीए, एकीकृत एमसीए, बैचलर इन होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी, एमटेक, एमई पूर्णकालिक, एम फार्मेसी, एमबीए पूर्णकालिक, एमसीए, एम आर्किटेक्चर पाठ्यक्रमों के लिए 22 नवंबर से 30 नवंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव 2021 उम्मीदवारों को लेकर ये निर्देश जारी, अधिकारियों को भी सौंपे काम। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। कभी भी तारीख का ऐलान हो सकता है और आचार संहिता लग सकती है। इसी बीच राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव के लिए ऑनलाइन नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्राप्त निर्देश द्वारा जिला एवं जनपद पंचायत सदस्य पद के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन नाम निर्देशन ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से भरने की अतिरिक्त सुविधा प्रदान की गई है। केंद्र की इस योजना में मध्य प्रदेश में अव्वल 4 लाख से ज्यादा को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से पूरे देश में परचम लहराया है। मध्य प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर्स को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का सबसे ज्यादा फायदा मिला है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में 101.60% उपलब्धि अर्जित कर मध्य प्रदेश में देश में अव्वल स्थान पाया है। इससे प्रदेश में 4,11,481 पथ विक्रेताओं को लाभ मिला है। वहीं पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ 6वें नंबर पर आ रहा है। ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन होगा बंद, उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। प्रदेश के समस्त एमपी कॉलेज, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सत्र 2021-22 की शैक्षणिक गतिविधियां गुरुवार से विद्यार्थियों की भौतिक रूप से उपस्थिति के साथ प्रारंभ हो गई है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश भी जारी किया गया है। विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में पूरी क्षमता के साथ खुलने पर ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन बंद होगा। मध्य प्रदेश में ऑनलाइन ट्रेडिंग को लेकर बनेगी पॉलिसी। गृह मंत्री बोले, अमेजन ने सहयोग नहीं किया तो होगी कार्यवाही। प्रदेश के भिंड में अमेजन कंपनी में 384 टन गांजा सप्लाई का भंडाफोड़ होने के बाद शिवराज सरकार ऑनलाइन शॉपिंग करने वाली कंपनियों पर नकेल कसने की तैयारी में है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में ऑनलाइन ट्रेडिंग को लेकर पॉलिसी बनाई जाएगी। दरअसल भिंड पुलिस ने गौहत में ढाबे के एक पिछले दिनों में ही सूरज और विजन सिंह के घर से 20 किलो गांजा जब्त किया था। मध्य प्रदेश में काउसेस लगाने की तैयारी, शिवराज ने दिए अधिकारियों को योजना बनाने के निर्देश। मध्य प्रदेश में गाय उपकर यानी काउसेस लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके लिए अधिकारियों को योजना बनाने के निर्देश दे दिए हैं। इस टैक्स से मिलने वाले रुपयों के जरिए राज्य सरकार गौशालाओं के गाँव में चारे की व्यवस्था करेगी। प्रारंभिक स्तर पर रजिस्ट्री शराब वाहनों पर ये सेस लगाने की तैयारी है। सभी सरकारी दफ्तरों में गौ फिनाइल का उपयोग होगा। कोरोना पाबंदी हटाने के बाद मध्य प्रदेश का पहला मेला इस शहर में शुरू, जाने क्या है खास। कोरोना की पाबंदी हटाई जाने के बाद मध्य प्रदेश का पहला मेला धार्मिक नगरी उज्जैन में शुरू हो गया है। इस औपचारिक शुरुआत होने के साथ ही व्यापारी भी मेले में जुटना शुरू हो गए हैं। कार्तिक का मेला पहले महीने तक चलेगा। कोविड-19 की वजह से पिछले 2 सालों से उज्जैन में कार्तिक का मेला नहीं लग रहा था। इस बार भी मेला लगने की संभावना कम ही जताई जा रही थी, लेकिन 2 दिन पहले ही मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 की सभी पाबंदियों को हटा दिया है, जिसके बाद कार्तिक मेले लगने का रास्ता साफ हो गया है। बिल्डरों के द्वारा बनाई जा रही है सड़क का काम शुरू, आमजन को मिलेगा फायदा। न्यू कलेक्ट्रेट के पीछे वाली 7.5 किलोमीटर रोड को बिल्डर्स ही मिलकर बनवाएंगे। इस सड़क का काम गुरुवार से शुरू भी कर दिया गया है। तहसीलदार के द्वारा माप भी ले लिया गया है और ये मॉडल 2 पार्ट में बनाई जाएगी, जिसमें से 1 6 किलोमीटर और दूसरी 1.5 किलोमीटर की सड़क होगी। लंबे समय से यह सड़क जर्जर पड़ी थी और हर आने जाने वाले को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। बिजली का बकाया बिल माफ, 15 दिसंबर से पहले करें ये काम। भोपाल में कोरोना के समय निम्न आय वर्ग के जिन बिजली उपभोक्ताओं को सरकार ने बिल जमा करने की छूट दी थी, अब स्थितियां सामान्य होने के बाद अब उनसे बिजली बिल जमा कराया जा रहा है। 31 अगस्त 2020 तक के बिजली बिल की मूल बकाया राशि व अधिभार वसूली पर रोक लगा दी थी, अब इसकी वसूली के लिए समाधान योजना लागू कर दी गई है। सुबह धुंध का रहा असर, दोपहर में निकली धूप, शाम तक हल्की बूंदाबांदी होने के आसार। शुक्रवार सुबह शहर में धुंध का असर रहा, लेकिन दोपहर के बाद धूप भी निकली। गुरुवार रात हो रही देर रात तक शहर के अलग अलग इलाकों में कहीं तेज तो कहीं
कम बारिश की हल्की बौछारें पड़ी। गुरुवार शाम से ही जहां शहर में उत्तर पूर्वी सर्द हवाओं के कारण ठंड का एहसास तो हो रहा है, वहीं शुक्रवार सुबह पूर्वी हवाएं औसतन 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी और अहम खबरें। डेली ऐसी अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही आप ये न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक भी करें।